और आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी एक युवा नेत्री को जिन्होंने की छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की, प्रखर नेता, चांदनी चौक विधानसभा दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विधायिका अलका लांबा। अलका लांबा एक विशिष्ट हस्ताक्षर राजनीति के पटल पर अपनी पहुंच को बढ़ाते हुए अपने संघर्ष के साथ लोगों के विषयों से जुड़ते हुए अलका लांबा हमारी आदर्श युवा विधायक जिनको आज भारतीय छात्र संसद के इस मंच से हम सम्मानित कर रहे हैं। आपकी ढेर सारी तालियों और शुभकामनाओं के साथ अलका लांबा युवा विधायिका। अलका जी, आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगी हमारे इन युवा छात्रों के लिए? मैं छठी भारतीय छात्र संसद में आके बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूं और मैं तमाम मंच पर आदरणीय विश्वनाथ जी आपका, राहुल कराची आपका, मंच पर उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि ये सम्मान मुझे नहीं दिया आप लोगों ने, ये सम्मान उन्हें दिया है जिन्होंने हम पर विश्वास जताया, ये सम्मान उनको है जिन उपलब्धियों के लिए आपने हमें सम्मानित किया, उन उपलब्धियों में जिन लोगों का हमें सहयोग मिला ये सम्मान उनको मिला है। कहने को बहुत कुछ है, इस मंच पर मुझे पहले भी आपने अवसर दिया और मुझे याद है मैं इसी तरह हमारे जो विधायक थे उन्हें आज मैं जब ये सम्मान ले रही हूँ, उस समय मेरा 20 साल की राजनीति का सफ़र पूरा हुआ था और मैं ये सोच रही थी क्या कभी मुझे ये अवसर मिलेगा कि मैं भी उस श्रेणी में खड़ी होकर ये आज सम्मान प्राप्त करूं, लेकिन आपने उस सपने को आज हकीकत में बदला है। मैं यही कहूंगी आम आदमी पार्टी के बारे में कि ये पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, एक आंदोलन है। आपके मैं सामने लिख पड़े रही थी सभी राजनेता भ्रष्ट नहीं होते, राजनीति में अच्छे लोग हैं। अभी तक ये धारणा थी कि राजनीति में आने के लिए युवाओं को धन की जरूरत है, बल की जरूरत है, राजनीतिक पारिवारिक एक आपकी पृष्ठभूमि होना जरूरी है, लेकिन दिल्ली के चुनावों ने पूरे देश के आम आदमी में ये विश्वास पैदा किया कि ना आपको धन की जरूरत है, ना आपको बल की जरूरत है, ना आपको किसी राजनीतिक परिवार से आने की जरूरत है, जरूरत है तो एक बदलाव की इच्छा शक्ति से एक कदम आगे बढ़ने की, और दिल्ली वो बदलाव आपके सामने देश के आम आदमी ने लाकर खड़ा किया है, जिसने मुझे भी यहाँ पर आज खड़े होकर एक बार फिर से दिल्ली ही नहीं देश के आम आदमी पे गर्व और गौरव के साथ अपना जो है सर झुकाने पर मजबूर किया है। मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ये उम्मीद जरूर करती हूँ, अभी दिल्ली की सरकार मुझे विधायक बने साल भी नहीं हुआ, 4 साल अभी बाकी है और जो भी हमारे अनुभव रहेंगे, जो भी हम मैं कहूँगी, एक सिर्फ एक छोटी सी बात, ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए थे, हमारा मकसद व्यवस्था को बदलना था। सत्ता परिवर्तन सिर्फ उस व्यवस्था को बदलने का हमारे लिए एक जरिया है, हमने इसे कभी अपनी मंजिल नहीं समझा, सत्ता परिवर्तन को व्यवस्था परिवर्तन का जरिया है, और उम्मीद करती हूँ आगे 4 साल अभी बाकी हैं, आप दोबारा मौका देंगे, 4 साल जब पूरे होंगे अपने अनुभवों को लेकर देश और दिल्ली के आम आदमी में किस तरीके से हम एक विश्वास पैदा करने में काम रहे जरूर शेयर करेंगे। मैं आप सभी का, यहाँ पर आए युवा छात्रों का, एक बार फिर से आप सभी का मैं कहूँगी, विश्वनाथ जी MIT को मैं बहुत पुराना जानती हूँ, आपके इस संस्थान को मैं ये कहूँगी ये हमारी जो एक सुनहरी खान की तरह काम कर रहे हैं, इसमें हमारे आने वाले भविष्य का सुनहरा भविष्य छुपा हुआ है, आप जितना इसको खोदेंगे उतनी गहराई में आप जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप देश के नेताओं को इसी तरह तैयार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं अलका लांबा आपके लिए। और जो अगला नाम हम पुकार रहे हैं युवा विधायक पुरस्कार के लिए, वो हैं श्री प्रिया कृष्णा, MLA कांग्रेस के गोविंद राज नगर बेंगलुरु से। हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं इस पुरस्कार के लिए। प्रिया कृष्णा राजनीतिज्ञ तो हैं ही, साथ ही राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ के खिलाड़ी भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
जन कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित। उनका मानना है कि हर विषय को रिजॉल्व किया जा सकता है पीसफुल तरीके से, और आज उनको ये पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। गोविंद राजनगर बेंगलुरु से युवा विधायक श्री प्रिया कृष्णा। प्रिया, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे छात्र नेताओं से? I'd like to thank the organizers of Bharatiya Chhatra Sansad, especially Mr. Rahul, for bringing together so many youngsters under one roof and introducing them to so many various aspects of politics and political thought. You're doing a great job. Congratulations and thank you for having me here. Thank you very much, Priya Krishna. Bahut bahut shukriya. Aap sabhi se anurodh karenge apna apna sthan yahan par grahan karein.